क्या आपकी स्किन में भी टैनिंग हो गई है? बेबी सॉफ्ट स्किन चाहते हैं, सनबर्न से बचना चाहते हैं, ड्राई स्किन है सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लौकी के छिलकों से पाए ग्लोइंग स्किन, जी हाँ सही सुना आपने, लौकी के छिलके। हम क्या करते हैं, लौकी तो खाना पसंद करते हैं सब्जी बनाकर, लेकिन जो उसके छिलके होते हैं फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके छिलकों में कितना फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ और स्किन को ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए इसके लिए हमने लिया है एक बॉटल गार्ड यानी लौकी, इसे दुधिया भी कहा जाता है। इसे अच्छे से धोकर हमें इसके छिलके निकाल देने हैं और इसे काट कर इसकी सब्जी बनानी है। जी हाँ सब्जी तो बनाएंगे, पूरी तो फेंक नहीं सकते। छिलकों को हमें क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है ताकि छिलकों पे जो भी डर्ट या केमिकल लगा हो वो सारा निकल जाए। अब इन छिलकों को अच्छे से धोकर हमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ मिलानी है और आपकी स्किन पर अप्लाई करना है। यदि आपके स्किन में सनबर्न हुआ है, टैनिंग हो गई है, तो वो दूर हो जाएगी। साथ ही हमको लेना है एक लाल टमाटर। लाल टमाटर के बेनिफिट तो आपको बता ही चुकी हूँ, अगर इसे डेली यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। इन दोनों को मिक्सी में पीस कर एक फाइन पेस्ट बनाना है, इस तरह का एक मास्क तैयार होगा। साथ ही इसमें मैंने ऐड करना है 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं, अगर ड्राई स्किन है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। मेरी ऑयली स्किन है इसीलिए मैं हमेशा कोई भी पैकेट बनाती हूँ या लगाती हूँ तो उसमें मुल्तानी मिट्टी ज़रूर ऐड करती हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी, आपको इसे लगाना है अपने फेस पर, 15 से 20 मिनट तक रखिएगा, उसके बाद कस के मसाज करके इसे वॉश कर लीजिएगा। देखिए वॉश करने के बाद स्किन कितनी सॉफ्ट, रियली बहुत सॉफ्ट हो जाती है, यकीन नहीं हो रहा। मैंने भी कहीं देखा था और मैंने ट्राई किया, मतलब एकदम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस तरह की फीलिंग आ रही थी, मतलब स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो गई थी। हमारा डेली रूटीन भी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं जब भी फेस मास्क लगाती हूँ, वॉश करती हूँ, उसके बाद अपनी स्किन पर टोनिंग सीरम और मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज़ किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं डेली से यूज़ करती हूँ। इससे स्किन में आपके जो भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब श्रिंक होने में हेल्प करता है। साथ ही यहाँ पर मैं जो सीरम अभी मैं यूज़ कर रही हूँ उसका बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाला है, लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट सीरम है। सीरम लगाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। जब ये सीरम लगाते हैं ना, स्किन मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। बट जब भी आप सीरम लगाए उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूर होता है ताकि आपकी जो स्किन है उसमें स्किन को मॉइस्चराइज कर सके। यहाँ पर मैं ऑलवेज माय फेवरेट निविया का एलो हाइड्रेशन क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि सबका स्किन टाइप अलग अलग होता है, ये मुझे सूट करता है इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो नाउ ये हो गया मेरा स्किन रूटीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो ये है मेरा सिंपल सा डेली लुक जो मैं इस तरह से तैयार होती हूँ, मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।